साइकोसिस में लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे पहचाने जाएं ऐसे व्यक्ति को जिनको तकलीफ हो। एक तरीके से सोचें तो साइकोटिक डिसऑर्डर को पहचानना समाज में बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के बर्ताव में, उसकी सोच में, उसके हाल ढाल में, बोल चाल में बहुत अंतर हो जाता है गंभीर। लेकिन फिर भी कुछ साइकोटिक सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा बारीकी से समझना जरूरी है। एक होता है हेलुसिनेशंस। व्यक्ति को कानों में या आंखों से, इन दो सेंसेस में अक्सर कोई भी स्टिमुलस न हो, कोई भी कारण न हो, तो भी कुछ चीज़ें दिखती हैं या आवाज़ें सुनाई देती है जो उसके बस में नहीं होती है। वो उनको समझता है वास्तविक है, रियल है, और उस पर शायद एक्शन लेने लगता है। तो अगर किसी को कमांड हेलुसिनेशंस हो कि तू ऐसा कर ले, तो जाके वो व्यक्ति ऐसा कर देगा। दूसरा एक सिम्टम होता है कॉमन, आपने सुना होगा, डिल्यूजन्स। विचारों में, खासकर किसी एक या दो पहलू में ऐसे गंभीर बदलाव आ जाना कि व्यक्ति को यकीन हो जाता है अपने उस विचारधारा के बारे में जो बुनियादी रूप से गलत है, और कितना भी उसको समझाया जाए, एविडेंस दिखाया जाए, उसका वो यकीन बना रहता है और उस पर वो अगेन एक्शन लेने लगता है। जैसे शक की बीमारी हो, अनफेथफुलनेस या इनफाइडेलिटी के सिम्टम्स हों, डिल्यूशन ऑफ जेलेसी, इनफाइडेलिटी और परसिक्यूशन।